देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। स्पीड के दौर में सोशल मीडिया भी फास्ट है, तस्वीरें और वीडियो वायरल होने में यहां देर नहीं लगती। कुछ को तो आप भी फॉरवर्ड करने में देर नहीं लगाते होंगे बिना ये जाने कि इस तस्वीर या वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये सच्चा है या फिर झूठा। किसी भी तस्वीर या वीडियो का फैक्ट चेक जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सोर्स ढूंढे और सच्चाई जाने सही या गलत के नतीजे पर पहुंचना समझदारी नहीं है। ऐसे ही वायरल खबरों की हम करेंगे पड़ताल और दिखाएंगे आपको उस खबर से जुड़ा पूरा सच भी। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग मुर्गा बनकर एक पेड़ का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों को ऐसे ही सजा दी जाती है। वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल फैक्ट चेक टीम ने भी की, जिसमें क्या नतीजा आया इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि योगी राज में कानून तोड़ने वालों को कुछ इस तरह से सजा दी जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी गई है। पुलिस वाले छड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स इसे अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अगर देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल से सख्त रही है। इस बार भी चुनाव में बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था को अहम मुद्दा बनाया गया था। साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है, जिसकी वजह से सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग पुकारने लगे हैं। चुनाव के दौरान भी बुलडोजर का खूब जिक्र किया गया। दूसरी बार सरकार में आने के बाद कई शहरों में अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है इस पर हमें थोड़ा संशय था, क्योंकि जितने भी लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी गई, हर कोई गर्म कपड़े में नजर आ रहा है, जिससे ये तो साफ है कि ये वीडियो हाल के दिनों का नहीं है बल्कि पुराना है। हमारी फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल करने का फैसला किया। हमारे सामने कई सवाल थे। इस तरह की सजा की कोई खबर क्यों नहीं आई? वीडियो कहाँ का है ये भी साफ नहीं। वीडियो ठंड के महीने का है। वीडियो में सभी लोग एक खास समुदाय के नजर आ रहे हैं। हमने रिवर्स सर्च का सहारा लिया। तस्वीर रिवर्स सर्च करने पर हमें पाकिस्तान का एक यूट्यूब चैनल मिला, जिस पर वीडियो 29 मार्च 2020 को पोस्ट किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई कि मनसेहरा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को मुर्गा बनने की सजा दी। इस जानकारी के साथ हमने आगे की पड़ताल की। आगे की सर्च में हमें पाकिस्तान के पॉपुलर न्यूज चैनल का एक क्लिप मिला। इसे भी 29 मार्च 2020 को ही पोस्ट किया गया था और इसमें भी यही जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा में पुलिस ने उन लोगों को मुर्गा बनाया जो लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर बेवजह घूम फिर रहे थे। जाहिर है जिस दावे के साथ वीडियो को वायरल किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वीडियो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पाकिस्तान का है, वो भी साल 2020 का, जब कोरोना की वजह से पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगा था। कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मुर्गा बनाकर ऐसे लोगों को सजा दी। चैन कुंडू के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
दुनिया में चमत्कार जैसी घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा। कुछ पर लोग यकीन कर लेते हैं लेकिन कुछ घटनाएं काल्पनिक लगती हैं। इसी में से एक है मछलियों की बारिश। यह सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, भला ये कैसे हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर यही दावा किया जा रहा है कि आसमान से मछलियों की बारिश हुई, लिहाजा फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल की। फास्ट और स्पीड के इस दौर में कुछ भी वायरल होने में चंद सेकंड लगते हैं और उसके जरिए बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक सड़क पर बहुत सी मछलियों को पड़े हुए देखा जा सकता है। पोस्ट के साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर यूरो होडुरास में हुई मछली की बारिश की है। एक फेसबुक यूजर ने ये पोस्ट शेयर किया जिसमें तस्वीर के साथ लिखा गया है, मछली की बारिश एक वार्षिक मौसमी घटना है जिसमें होंडुरास के यूरो शहर में आसमान से सैकड़ों मछलियां बरसती हैं। मछलियों की बारिश, ये दावा सुनकर हमारे भी कान खड़े हुए। हम भी वायरल तस्वीर के पीछे छुपे असली कहानी को बाहर निकालने के मिशन में जुट गए। हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद से वायरल तस्वीर को सर्च किया। हमें ये तस्वीर एक प्रतिष्ठित वेबसाइट पर 19 मार्च 2015 को पब्लिश एक खबर में मिली। खबर के अनुसार ये घटना चीन के कैली शहर की है, जहां मछली ट्रांसपोर्ट करने वाले एक ट्रक का दरवाजा गलती से खुल जाने से 6,800 किलोग्राम कैटफिश सड़क पर गिर गई थी। हमें ये तस्वीर कई मीडिया आउटलेट्स की खबरों में भी इसी डिस्क्रिप्शन के साथ मिली। मतलब साफ था कि ये घटना होंडुरास की नहीं चीन की है, जब 2015 में एक ट्रक से ये मछलियां गिर गई थी। लेकिन होंडुरास के यूरो शहर में आसमान से सैकड़ों मछलियों की बरसात, उसका सच क्या था, ये जानना भी जरूरी था। कुछ कीवर्ड्स के साथ ढूंढने पर हमें पता चला कि होंडुरास के यूरो में लोविया डिपेसिस या एगो आसेरो डी पोस्काडो के रूप में भी पहचाने जाने वाली मछली की बारिश की घटना हर वर्ष एक से दो बार होती है। ये एक ऐसी घटना है जो एक सदी से भी अधिक समय से वार्षिक रूप से यूरो होंडुरास में हो रही है, जिसमें मछलियां आसमान से गिरती हैं। जाहिर है हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि ये तस्वीर होंडुरास में हुई मछली की बारिश की नहीं, बल्कि चीन में एक ट्रक से गिरी मछलियों की है। हाँ, ये बात सही है कि होंडुरास के यूरो में ऐसी घटना होती जरूर है, मगर वायरल तस्वीर इस घटना की नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया है कि कई लोगों को इसकी जबरदस्त लत लग चुकी है। वैसे तो यह आदत अच्छी नहीं है, लेकिन इससे भी खतरनाक है सूचनाओं को बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देना। ऐसी एक तस्वीर की चर्चा हम करने वाले हैं जिसके बारे में बिना ज्यादा बताए बस उसे धड़ल्ले से फॉरवर्ड किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिक्षा एक व्यापार जैसा बन गई है, जिसके बाद यूजर्स इसे गुजरात से जोड़कर वायरल करने लगे। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस जंग में कूद गए, लेकिन जब फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल तस्वीर को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी पड़ताल की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सोशल मीडिया पर एक जरा सी चूक कैसे मायने बदल देती है, उसकी वानगी है ये तस्वीर, जिसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सवाल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बवाल है शिक्षा के व्यापारीकरण का, शिक्षा माफियाओं के संरक्षण और सियासी रण का। दरअसल एक व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट करते हुए गुजराती में कमेंट किया, जिसका मतलब था 200 डिग्री कॉलेज और 4000 कॉलेज वाले इस देश में शिक्षा एक व्यापार जैसा बन गया है, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों बेशरम हैं। जिस तस्वीर के जरिए यूजर ने ये सवाल उछाला है, उसमें देखा जा सकता है कि एक ऊंची सी बिल्डिंग मौजूद है। इस इमारत में ढेरों खिड़कियां हैं, इन्हीं खिड़कियों पर कुछ लोग भी लटके हुए देखे जा सकते हैं। हर मंजिल की खिड़की पर कुछ लोग खड़े देखे जा सकते हैं। पहली और दूसरी मंजिल की कई खिड़कियों पर लोग लटके हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग तीसरी मंजिल तक पहुंचने में भी कामयाब रहे हैं। इस तस्वीर में ये इमारत स्कूल की बताई जा रही है, जहां परीक्षा चल रही है और खिड़कियों पर बैठे लोग अंदर परीक्षा देने वालों के मददगार के तौर पर यहां लटके नजर आ रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने ये नहीं बताया कि ये तस्वीर कहाँ की है। बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस तस्वीर को रिट्वीट करते हुए यहाँ तक कह दिया, बीजेपी के लोग भी गुजरात की चरमराते शिक्षा पर प्रश्न उठा रहे। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर गुजरात में अच्छी शिक्षा के लिए आवाज उठने लगी है। 27 साल में बीजेपी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई। गुजरात के लोगों और सभी पार्टियों को साथ लेकर आप सरकार गुजरात में भी दिल्ली की तरह अच्छी शिक्षा देगी। गुजरात के इस आदमी के ट्वीट करने और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रीट्वीट करने के बाद इसे दूसरे यूजर भी शेयर और रीट्वीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के समर्थक भी इसे वायरल करने में पीछे नहीं हैं। हालांकि जिस व्यक्ति ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था, बाद में उसने अपने सोशल अकाउंट से डिलीट भी कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे गुजरात का बताकर तंज कसने लगे। इस ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से रीट्वीट के चलते इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने का फैसला गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने रिवर्स इमेज का सहारा लिया, जिसमें हमें अंग्रेजी और हिंदी खबरों की वेबसाइट पर इस तस्वीर से जुड़े कुछ लेख मिले, जिससे एक बात तो फौरन साफ हो गई कि यह तस्वीर बिहार की थी। अपनी पड़ताल के दौरान हमने देखा कि इस तस्वीर से जुड़ी रिपोर्ट 20 मार्च 2015 को छपी हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि ये बिहार में बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा को लेकर एक स्कूल में सामूहिक नकल से जुड़ा मामला था, जिसमें सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 छात्रों को परीक्षा से निकाल भी दिया था। सामूहिक नकल की तस्वीर के बाद बिहार सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी, जिस पर बाद में बिहार के शिक्षा मंत्री ने सफाई भी दी थी। कुल मिलाकर साफ है, तस्वीर को लेकर आधा अधूरा दावा किया जा रहा है। हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर गुजरात के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी होने की बजाय बिहार के वैशाली जिले के महानार स्थित विद्यानिकेतन स्कूल की निकली। वायरल तस्वीर काफी साल पुराना है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।